बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे मेन पॉइंट जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो बच्चों जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले जो मुझे आपको एक पॉइंट जो डिस्कस करना है, बेसिक फंडामेंटल पॉइंट, मैं एक बार लिखता जाता हूं। ऐसे तो आप बोलोगे तो एक बार बोल देता हूं और बाद में लिखते हैं। आप असेट ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, क्या होता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर असेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो आप लिखोगे यहां पे असेट इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस। ये ध्यान में रखना बच्चों, ये गलती होगी। आप बोलोगे सर इसके बाद आप लिखो लायबिलिटी, क्या लिखोगे बच्चों? लायबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। एक बार असेट सोल्ड करने पर असेट का नाम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर लॉजिक बहुत सिंपल है, पहली जो होती है असेट को क्लोज करके हम रियलाइजेशन में डाल देते हैं। रियलाइजेशन क्या है वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है, जिसलिए आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि एक बार एसेट को क्लोज करके, आप बोलोगे सर क्लोज मतलब आप क्रेडिट करके रियलाइजेशन में डाल दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, उसके बाद आप एसेट का नाम नहीं लिखोगे। आप जो भी एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे या पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे, उसके बाद क्रेडिट क्या होगा तो रियलाइजेशन ही होगा, ध्यान में रहेगा बच्चों। सेम वे लायबिलिटी एक बार क्लोज करके आप रियलाइजेशन में डाल देते हो, उसके बाद आपको वो जो ध्यान में रखना है जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि एक बार क्लोज करके आपने लायबिलिटी को कहाँ डाल दिया, रियलाइजेशन में डाल दिया, उसके बाद पेमेंट करते हो कैश में या कोई पार्टनर पेमेंट करता है, दोनों केस में आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना है। आपको क्रेडिट करना है कैश में कर सकते हो पेमेंट हुआ है तो, और आप बोलोगे नहीं सर पार्टनर ने पेमेंट किया है तो आप बोलोगे सर पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो पॉइंट मैं हर बार बोलता हूं, आपको कभी भी कोई एक्सपेंस हुआ है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस इनकम टैक्स पे कर रहे हो या कोई सन्ड्री एक्सपेंस पे कर रहे हो डिसोल्यूशन के रिलेटेड, तो आपको वो ध्यान में रखना है, वो एक्सपेंस का नाम नहीं लिखोगे क्योंकि अभी वो अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। आपको जो भी एक्सपेंस इनकम होगा वो सारा कहां जाएगा? तो आप बोलोगे सर सारा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। कहां जाएगा बच्चों? तो सारा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। जो ध्यान में रखना है बस ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान से समझना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, मैं यहाँ नरेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ जर्नल एंट्री समझाने के लिए लिखूंगा। आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा तब जाके आपको एग्जाम में मार्क मिलेंगे। मेरी तरह लिखोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, वो ध्यान में रखना है। बच्चों टोटल हम जो सम करने वाले हैं वो, मतलब ये जनरल एंट्री करने वाले हैं, वो 12 जनरल एंट्री हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरल एंट्री से हम शुरू करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे अभी आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देख लो। तो उसमें दिखा हुआ है पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ फॉर्म इन द केस ऑफ फॉर्म डिसोल्यूशन। फॉर्म के डिसोल्यूशन के वक्त आप जर्नल एंट्री लिखनी है। तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000, नो एंट्री नो अमाउंट इज रियलाइज। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर ये गुडविल है, गुडविल क्या है? तो आप बोलोगे सर एक असेट है, मुझे वो वर्ड नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक वर्ड चाहिए, बोलो माइंड में आ रहा है बच्चों? तो आप बोलोगे सर इनटेंजिबल असेट, एकदम सही है बच्चों, वही मैं बोलने चाह रहा था कि आपको ध्यान में रखना है कि गुडविल जो है वो इनटेंजिबल असेट है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर पहली एंट्री क्या करोगे, गुडविल क्या है? तो आप बोलोगे सर एसेट है, तो एसेट अकाउंट क्लोज करोगे, ऑलवेज एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, क्लोज करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? गुडविल अकाउंट। कितने से? तो आप बोलोगे सर 56,000 से गुडविल को क्लोज किया गया है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि असेट क्लोज करके हम रियलाइजेशन में डाल देंगे। अभी बच्चों ये असेट जो है उसकी रियलाइजेशन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, आप नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, असेट की नॉर्मल असेट होती तो हम बुक वैल्यू पे लिख देते, लेकिन ये जो असेट है आप बोलोगे सर ये नॉर्मल असेट नहीं है, ये इनटेंजिबल असेट है, जो देख नहीं सकते वो असेट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई उसकी मतलब रियलाइजेशन की एंट्री नहीं होगी। व्हेन इन द केस ऑफ इनटेंजिबल असेट रियलाइजेशन अमाउंट इज नॉट गिवन देन वी विल नॉट मेक एनी एंट्री। तो बच्चों बस ये ध्यान में रखना है, ये लिख लेना है आपको, एक ये ए
और ये बी, और आप केस में आगे बढ़ोगे सेकंड केस में। बच्चों ये आपको मैंने जो नोट करके बोला है ना वो आपको प्रॉपर लिख देना है, जहां पे भी आपको ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो एक एक पॉइंट आपको लिखते जाना है, पॉज करना है और लिखते जाना है। सेकंड पॉइंट, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज। मतलब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट में 8 लाख एंड 2 लाख दिखाया गया है, उसके बाद रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 1,50,000 रियलाइज फ्रॉम देम। तो आप बोलोगे सर इसकी रियलाइजेशन वैल्यू 8 लाख एंड 1,50,000 है। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, क्या करेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग में आप बोलोगे सर 8 लाख, यहां पे होगा 2 लाख और टोटल हम लिखेंगे 10 लाख। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे सर आपने क्या किया, तो आपने बोलोगे सर आपने सिंपल बुक वैल्यू जो दिखाई गई थी उनको क्लोज करके रियलाइजेशन में असेट में ट्रांसफर कर दिया। अभी हर बार बच्चों सर नहीं बोलेंगे कि असेट है हमने क्लोज किया क्रेडिट किया, लॉजिक आपको क्लियर है। अभी आप बोलोगे सर सेल किया, तो आप बोलोगे सर बिजनेस में कैश आएंगे, कैश आएगा। अभी आप बोलोगे सर तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि आप असेट सेल कर रहे हो, तो कैश अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अभी आप बोलोगे सर असेट का नाम बच्चों नहीं लिखना है, मैं रियलाइजेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में अच्छी तरह लिखना बच्चों, शॉर्ट में मार्क भी शॉर्ट ही मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर नाम तो आने नहीं वाला, आपने अभी सिखाया कि रियलाइजेशन अकाउंट ही होता है, क्योंकि ऊपर सारे अकाउंट क्लोज करके रियलाइजेशन में डाल दिया है। आप बोलोगे सर 9 लाख और यहाँ पे जो है 1,50,000 मिला होगे, तो 10,50,000 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 10,50,000। इसके साथ बच्चों ये हमारा पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आगे बढ़ते, टोटल असेट ऑफ अ फॉर्म इज 2 लाख, आउट ऑफ विच, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह समझना है, आउट ऑफ विच 40% आर करंट असेट इंक्लूडिंग 10,000 बुक वैल्यू रियलाइज। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले 2 लाख लिखो, टोटल असेट है, उसमें से 2 एरो निकलेंगे, एक फिक्स एसेट के लिए और एक बोलोगे आप करंट एसेट के लिए। जो फिक्स एसेट के लिए है वो आप बोलोगे सर उसकी जो वैल्यू है कितनी है, तो 40% और यहाँ जो है वो 60%, इसका करोगे तो 80,000 होगा और यहाँ करोगे तो आप बोलोगे सर करंट एसेट 1,20,000 है, जिसमें बोला गया है कि जो है वो आप बोलोगे सर इसमें अमाउंट थोड़ी आगे पीछे हमने कर दी, ये 60% है ये 40% है, तो अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 120 और यहाँ पे 80। फिर से एक बार पढ़ता हूँ जिनको क्लियर ना हो, आउट ऑफ 40% ऑफ करंट एसेट लिखा है 40%, मैंने गलती से 60-40 कर दिया था। चलो तो इसमें से आप बोलोगे सर 10,000 है वो कैश है, तो आप बोलोगे सर 70,000 जो है वो अदर करंट एसेट होगा। अभी आप समझ लो आपको असेट यहाँ कितनी कंसिडर करनी है, तो आप बोलोगे सर 1,20,000 एंड 70,000। आप बोलोगे सर कैश को क्यों नहीं बनाएंगे, तो कैश को असेट क्लोज नहीं की जाती, इसका अकाउंट ओपन होता है एक बात, और दूसरी बात आपने देखा है कभी कैश सोल्ड करते हुए कि आप मुझे 100 की नोट दे दो और मैं नई नोट आपको इशू करूंगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। वो ध्यान में रखना है कैश इटसेल्फ आप जो बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, तो कैश अकाउंट कभी क्लोज नहीं होता, वो ध्यान में रखना है, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। तो बच्चों आप पहले ये लिख लोगे, उसके बाद थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि शायद से ये आपको दिखे नहीं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो नाम है वो लिखा जाएगा फिक्स एसेट, पहले आप बोलोगे सर एसेट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा फिक्स एसेट अकाउंट और करंट एसेट अकाउंट। आप बोलोगे सर एक है 120 और एक है 70,000, तो होगा 190। यहां तक होते होते आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, जैसे ये पॉइंट समझ में आता है तो आप बोलोगे सर अब अभी बातें आई पे, मतलब सेल करने की, उन्होंने बोला बुक वैल्यू ही आप सेल करोगे बुक वैल्यू पे, तो ये 120 प्लस 70 190 में सेल होगा
तो कैश बिजनेस में आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 190s। आप बोलोगे सर इंडिविजुअल एसेट नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट का अभी कोई अस्तित्व रहा नहीं है, वो पूरा क्लोज होके कहाँ चला गया। तो आप बोलोगे सर पूरा क्लोज होके आप बोलोगे सर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चों आपका थर्ड नंबर का खत्म। आप बोलोगे सर ये क्लियर, लिख लो, पॉज करके लिखना है तो आपको। उसके बाद आप फोर्थ में जाओगे, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक, बुक में डिस्क्लोज ही नहीं की गई तो ऑब्वियसली क्लोज भी नहीं करेंगे। तो जो असेट की क्लोज करने वाला जो पॉइंट है वो हम नहीं करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे। आप बोलोगे बट 50,000 रियलाइज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, तो आप बोलोगे सर इसमें असेट का नाम लिखेंगे। बच्चों याद रखो असेट की कोई अभी वैल्यू नहीं है क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है, आपको खाली रियलाइजेशन से ही रोटेट करना है पूरा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ कैश बिजनेस में आ रहा है क्योंकि सेल किया है, और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रियलाइजेशन। तो बच्चा एकदम सही आंसर, जैसे आपके दिमाग में ये पॉइंट आता है तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप बोलोगे सर कितना लिखे, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 50,000 जितना रियलाइज हुआ है उतना हमें लिखना है। क्लियर है बच्चा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, तो आप बोलोगे सर फिफ्थ में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, वन पार्टनर टेकन एज ए 25,000। तो आप बोलोगे सर लैपटॉप क्या होता है, तो लैपटॉप बच्चा वो असेट होता है। क्या होता है बच्चा, असेट। तो असेट को क्लोज करना है, तो आप बोलोगे सर लैपटॉप अकाउंट डेबिट करो और क्रेडिट क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर रियलाइजेशन। कितना लिखोगे, 35,000। पहले बुक वैल्यू से क्लोज किया, अभी पार्टनर कितने में ले जाने के लिए रेडी है, तो आपने बोला 25,000। तो पार्टनर क्या है, तो वो डेबिट रिसीवर है, रिसीवर कर रहा है, बेनिफिट रिसीव कर रहा है। तो आप पर्सनल के रूल के हिसाब से क्या बोलोगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये पार्टनर रिसीवर है, तो हम लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे बच्चों, टू रियलाइजेशन। बच्चों एक चीज ध्यान में रखिए, सर ने एंट्री परफेक्ट उल्टी लिख दी है। आप बोलोगे सर क्यों, क्यों देखो लैपटॉप असेट है तो हमने क्लोज ही नहीं किया उसको। तो आप बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, आप बोलोगे सर लैपटॉप अकाउंट। ध्यान में रखना है बच्चा, गलती जल्दी जल्दी में गलती नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट लेकिन बहुत ही ध्यान में रखना है। देखो ये चाहूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन एडिट इसलिए नहीं करता कि आपको भी माइंड में चले कि ऐसे बोलने के साथ आपको लिखने में भी गलती नहीं करना है। मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने मैंने देखा एग्जाम में, समझते सही है, बोलते भी सही है, बाहर आके भी बोलते हैं एग्जामिनेशन के बाद कि हमने ये समझा था, ये लिखा था, लेकिन जब वो जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो कई बार गलती कर देते हैं। तो वो आपको गलती नहीं करनी है, पेपर इजी हो या टफ हो, आपको ये छोटी छोटी टिप्स आपको बहुत काम में आएगी। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, फिफ्थ पॉइंट सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, हाफ वे तक आ गए बातें करते करते। तो आप बोलोगे पार्टनर हैज एक्सेप्ट द लोन ऑफ श्रीमती फॉर लोन ऑफ हिज श्रीमती 40,000 विच वॉज गिवन टू फॉर्म। अब बोलोगे सर श्रीमती की लोन पार्टनर पे करने के लिए रेडी है, तो पहले हम क्लोज करेंगे। लोन जो दी गई है, आप बोलोगे सर बिजनेस की लायबिलिटी होती है, क्लोज करनी है तो लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कितनी करनी है, तो आप बोलोगे सर पेमेंट जो करना है वो है 40,000। मतलब पेमेंट जो करना है, मतलब 40,000 की उन्होंने लोन ली है, अभी कौन पे करने के लिए रेडी है, पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर अभी पे करने के लिए रेडी है, तो पार्टनर बेनिफिट गिवर है या पार्टनर बेनिफिट रिसीवर है। तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर वो लोन पे कर रहा है जो लायबिलिटी फॉर्म की थी। तो ठीक है बच्चों, तो बस लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000। इसके साथ बच्चों ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक बार लॉजिक फिर से क्लियर करवा देते हैं, नाम क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों आप बोलोगे लायबिलिटी क्लोज करके हमने रियलाइजेशन में डाल दी, तो अभी इसका नाम तो आएगा नहीं। एक पॉइंट,
दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है, पार्टनर डेबिट है किया कि क्रेडिट किया, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट क्यों किया, तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है, क्यों गिवर है, क्योंकि उसने अभी क्या है फॉर्म की लायबिलिटी उन्होंने पे कर दी है, इसलिए उनका अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। तो बच्चों यहां तक आप प्रॉपर लिख लो स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम सेवेंथ में चलते हैं। सेवेंथ है इनकम टैक्स लायबिलिटी नाउ पेएबल 30,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डिवोल्यूशन एक्सपेंस हो या इनकम टैक्स हो, बिजनेस के लिए वो क्या है एक्सपेंस है। अभी सर ने बहुत शांति से समझाया था कि अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, एक्सपेंस पे करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा कैश। इनकम टैक्स वर्ड का कहीं पे भी कोई भी नामो निशान नहीं आएगा, नामो निशान नहीं बच्चा। चलो तो आप बोलोगे सर चलो सेवेंथ पे बात करते हैं। सेवेंथ पे जो है वो आप बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है और क्या करना है, तो आप बोलोगे सर रियलाइजेशन डेबिट होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर रहा होगा। बच्चों मैं इतना लाइटर टोन में इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो ध्यान में रखना है। सेवंथ पॉइंट में अमाउंट बोलोगे तो आप बोलोगे 30 सर 30,000 यहाँ तक लिख लो। ये हुआ 7 पॉइंट खत्म। 8 पॉइंट की तरफ आगे, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटी एंड लोन ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म सरप्लस ऑफ असेट इज 1,20,000, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एबीसी इज 5:3:2। कहने का मतलब क्या है कि आपने सारी लायबिलिटी और लोन पेमेंट करने के बाद और असेट जो असेट रियलाइज हुई है उसमें से पेमेंट करने के बाद आपके पास सरप्लस बचा हुआ है 1,20,000 का, जो पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप बोलोगे सर इतना घुमा फिरा के क्या लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब है प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है बच्चों प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, बोलो बच्चों क्रेडिट होता है। क्या होता है क्रेडिट होता है, याद करो। आप रियलाइज आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन में हर बार हम डेबिट करते थे और क्रेडिट करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सेम वे एडमिशन रिटायरमेंट में हम करते थे। यहाँ पे वर्ड चेंज करके क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा बच्चों रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिंपल लिखते जाना है, एट की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर है 120 जिसको आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:3:2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो 60,000 उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप होगा तो बोलोगे 36,000 and 24,000। इसके साथ बच्चों आपका एट नंबर का भी खत्म। नाइन्थ नंबर की बात करते हैं, मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ बुक्स, मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 2 lakh, बुक वैल्यू इज रियलाइज। अभी बच्चों आप बोलोगे सर असेट जो है वो 2 lakh से दिखाई गई है और रियलाइज भी कितने से हुई है 2 lakh। बच्चों इसका आप वॉश करके लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने मुझे एकदम परफेक्ट तरीके से फॉलो किया होगा तो आप समझ जाओगे, क्योंकि सर ने एक लेक्चर से पहले 4 lecture यही बात पे बोल रहे हैं। तो बच्चों आप बोलोगे सर हमें तो पता चल ही गया, हम हमारे बच्चे ऑलवेज ध्यान रखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा डेबिट, और आप बोलोगे सर मशीनरी असेट है इसलिए इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। आप बोलोगे सर मशीनरी जो दी हुई है वो 2 lakh की है, कितनी है 2 lakh, और रियलाइज भी कितनी हुई 2 lakh ही हुई। तो बिजनेस में असेट सेल करोगे तो कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट से 2 lakh। यहां तक समझ में आया बच्चों, ये पॉइंट बहुत ही सिंपल और इजी था जो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है 10th, वन पार्टनर हैज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक द डिसोल्यूशन प्रोसीजर। ये बहुत ही अच्छा है बच्चों, थोड़ा मिटा के उसके लिए स्पेशल जगह करते हैं। अभी आप बोलोगे सर फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, तो उसमें दिया हुआ है वन पार्टनर हैज एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन प्रोसीजर इन द
द रिटर्न इट इज डिसाइडेड टू पे रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड हिम 12,000। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, आपको टोटल 20,000 की बात हो रही है, तो आप एंट्री क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर ये पहले लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000। बिजनेस में कितना कैश गया, तो आप बोलोगे सर कैश जो जा रहा है वो है 12,000 और पार्टनर को अभी पे करना बाकी रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो 8,000। बच्चों ये बहुत ही सिंपल और ध्यान से समझना है पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बिजनेस में टोटल 20,000 था, 12,000 का कैश आपने पे कर दिया, 8,000 आप पार्टनर को पे करोगे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बच्चा है 11 नंबर, देयर इज अ डेटर ऑफ 1,20,000 एंड क्रेडिटर ऑफ 60,000 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो बच्चों बहुत सिंपल बात है, पहले इतने की एंट्री करते हैं। आप बोलोगे सर डेटर्स जो होते हैं वो असेट होता है, क्लोज करके उनको क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिटर जो होते हैं वो आप बोलोगे लायबिलिटी होता है, उनको डेबिट करके हम क्लोज करके एंट्री करेंगे। तो पहले दो एंट्री करते हैं। 11th में आप बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और यहां पे लिखोगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या करोगे क्रेडिट करोगे। आप बोलोगे सर इसमें क्या कितनी अमाउंट लिखोगे, 1,20,000 डेटर में डाल दो और इसमें डाल दो 1,20,000, यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद क्रेडिटर की बात करो बच्चों, तो क्रेडिटर है 60,000 यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद बच्चों जो आपको ध्यान में रखना है वो है टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। वन पार्टनर हैज टेकन डेटर्स एट 20% टिल डेटर 20% देन द बुक वैल्यू। डेटर्स जो है वो 20% पे करने के लिए रेडी है, इसका मतलब आप करोगे 20% लेस तो 96,000 होगा। जो आप बोलोगे सर ये डेटर्स है सेल करोगे तो कैश अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चा भूलना नहीं है, पैसे आएंगे इसलिए डेबिट होगा क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट। कितना करोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 96,000। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, उसके बाद आपको जो है वो कितने में पेमेंट करने के लिए रेडी है, तो आप बोलोगे सर जो है उसमें से आपको बोला गया है वो एक बार बोल देना चाहिए, वन पार्टनर हैज टेकन द डेटर्स 20%। आप बोलोगे सर आपने तो कैश में लिख दिया, क्या लिख दिया कैश में, कैश की जगह क्या लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों बच्चों? आप बोलोगे सर कैश में रियलाइज नहीं हो रहा, उन्होंने बोला है कि वन पार्टनर हैज डिसाइडेड टू क्या किया है, वन पार्टनर टेकन एज अ डेटर 20% एंड टेक द बुक वैल्यू 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर। तो आप बोलोगे सर ये पार्टनर से रोटेट होगा कैश से नहीं, पार्टनर क्यों डेबिट किया, तो सिंपल है। आप बोलोगे सर कैश में पेमेंट हुआ होगा तो कैश लिखा जाता, यहाँ पे पार्टनर ने क्या किया है कि उनसे कलेक्शन किया है, वो रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर में क्या होगा तो क्रेडिटर में, वो बच्चा क्या है क्रेडिटर इनडायरेक्टली क्या है पेमेंट करना है वो पेमेंट उसका कर देगा। तो आप बोलोगे सर सिंपल होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट कितना लिखेंगे 60,000। इन्होंने यहाँ पे बोला था जो लेंगे वो 20% क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर 20% कम में पर डेटर से साथ कलेक्ट हुआ, पेमेंट जो करना है वो फुल करेंगे ऐसा बोला हुआ था। बच्चों इसके साथ 11th नंबर भी खत्म, 12th की बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो आरबीआई इज 3:2:1। द अंडरटेक द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस रिजर्व PNL एंड वर्कर एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन फंड। तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले जो रिजर्व है उसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड पे होता है, क्लोज करके पार्टनर में लिखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे क्या, तो आप बोलोगे सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर टू बी टू आई कैपिटल अकाउंट। और आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनको 3:2:1 18,000 को।
दूसरे में बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बोला है तो हम क्या करेंगे क्रेडिट, तो आप बोलोगे सर आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखोगे बच्चों बोलो क्या लिखोगे, टू आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, तो आप बोलोगे सर 12,000 है, उनको 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और लास्ट में वर्कर एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन फंड जो 18,000 है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप बोलोगे सर वर्कर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बहुत ही सिंपल है, आप बोलोगे सर सेम जर्नल एंट्री, ये नहीं ये वाली सेम जर्नल एंट्री होगी, वर्कर कॉम्पनसेशन फंड होता या एक्सीडेंटल वो दोनों में एक होता, लेकिन वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो बिजनेस की लायबिलिटी होगी। बच्चों इसके साथ ये खत्म, एक इलास्ट्रेशन वन जो है वो आपको खुद करना है तो आपको क्लैरिटी आएगी, सेम सम हम दूसरा एक करेंगे जिसमें और थोड़े अच्छे अच्छे पॉइंट पे फोकस करेंगे, शांति से ये पॉज करो अच्छी तरह लिख लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, मिलेंगे आप नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।